The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So most important for B12, aapko samajhna, point number one, it is water soluble vitamin, jo B or C, vitamin B or C. और पॉइंट नंबर टू कि वो इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के एनर्जी जनरेटिंग और एनर्जी यूटिलाइजेशन मेटाबॉलिज्म में. मतलब आपकी बॉडी एनर्जी तब यूज कर पाएगी जब आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर B12 होगा. ग्रोथ के लिए, जी हाँ, RBC ग्रोथ के लिए भी B12 की जरूरत होती है. आपके अंदर बॉडी के न्यूट्रिशन डाइजेशन में B12 की जरूरत होती है, एब्जॉर्प्शन में B12 की जरूरत होती है, एलिमिनेशन में, मोशंस में B12 की जरूरत होती है, यहां तक कि आप सांस लेते हैं रेस्पिरेशन में B12 की जरूरत होती है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी B12 की बहुत जरूरत होती है आपकी बॉडी के अंदर. और इसीलिए जब B12 की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में इन्हीं सारे सिस्टम्स में फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, राइट. तो वो सारे सिस्टम्स के प्रॉब्लम हम बिल्कुल एक एक करके देखेंगे और आज देखते जाएंगे बेस्ट सोर्सेस ऑफ B12 भी हम देखने की कोशिश करेंगे. सारे के सारी चीजें जितनी हो सकें आज B12 को अच्छे से हमने समझ लेना है, राइट. सो B12 को आपने पहले भी कई बार देखा होगा कि B12 किन फूड्स में है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि B12 वेजिटेरियन फूड में नहीं होता. B12 वेजिटेरियन सोर्सेस में नहीं होता. ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, ये फैट्स में होता है और ज्यादातर फैट्स एनिमल सोर्सेस में होते हैं. मतलब वाटर सॉल्युबल वाइटामिन और इट इज प्रेजेंट इन एनिमल फूड. एनिमल फूड यानी के नॉन वेज, चिकन, मीट, फिश या मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, डेयरी. तो डेयरी प्रोडक्ट में B12 होता है जोरदार मात्रा में और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लेना ही लेना चाहिए. आपके बॉडी के अंदर हर एक चीज के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में बहुत इम्प्रूव, बहुत जरूरी है ये सब, राइट. तो अगर आप चाहते हैं अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, यू नीड B12 अपना चेक कराइए, कम है तो खाइए. आपके नसों के लिए भी बहुत जरूरी है. नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके बॉडी के अंदर सेंसेशंस, B12 की कमी से लिटरली नसें खराब होने लगती हैं. आपके बॉडी के जो नर्व्स हैं वो खराब होने लगती हैं, उनके ऊपर की इंसुलेशन कवरिंग खराब होने लगती है. अगर वो इंसुलेशन कवरिंग निकल गई तो आपकी नसों में सुनपना आएगा. सुनपना तो कई लोगों को आता होगा कि भाई हाँ, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, मेरा पैर सुन हो जाए, मेरी हाथ सुन हो जाए, मेरा ये सुन हो जाता है, मेरा वो सुन हो जाता है. तो सुनपना, टिंगलिंग, नमनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ B12 डेफिशिएंसी. पर ऐसा नहीं कि सुनपना और किसी कारण से नहीं हो सकता. नस में किसी और कारणवश चोट भी लगे तो भी आपको सुनपना आ सकता है, लेकिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी पे गड़बड़ी होती है. तो विटामिन B12 के लिए आपको प्लांट फूड्स काम नहीं चलेगा, ये ना चल बे, प्लांट फूड नहीं चलेगा. आपको खाना पड़ेगा एनिमल फूड. अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो, दूध भी नहीं पीते हो, तो दूध, मतलब दूध पी लो, अगर दूध नहीं पीते हो तो फिर फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट मील सीरियल्स आते हैं जिनमें B12 एडेड होता है और ऐसे चीजें आपको लेबल ढूंढना पड़ेगा, B12 किसमें डाला हुआ है, चाहे वो तेल हो खाने का, चाहे वो खाने का सीरियल हो, चाहे वो सोया मिल्क ले सकते हैं. सोयाबीन के अंदर B12 होता है. दैट इज दी ओनली प्लांट बेस्ड फूड जिसमें B12 होता है. सो आप वो ले सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, मेजरली. बाकी ट्रेस मात्रा में इतना कम होता है कोई फायदा नहीं होता दूसरी चीजों में. सो बॉडी B12 मच बेटर एब्जॉर्ब करती है एनिमल सोर्सेस से एज कंपेयर टू जो प्लांट सोर्सेस है. लेकिन अगर आप एनिमल सोर्सेज नहीं ले सकते हैं तो कंसिडर टेकिंग अ वाइटामिन सप्लीमेंट. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो B12 का ये बहुत जरूरी है. और बॉडी के अंदर अगर B12 ना हो तो क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई यू आर हियर. अगर बॉडी के अंदर B12 डेफिशिएंसी है तो सोच के देखो, इतने सारी चीजें हैं जो B12 कंट्रोल करता है, तो उन सब चीजों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी. आपको ना सिर्फ एनीमिया, खून की कमी होगी, क्योंकि खून नहीं बनता है एक्चुअली. B12 डेफिशिएंसी से भी इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होता है. B12 डेफिशिएंसी है, परनीशियस एनीमिया कहते हैं इसको,
वो होता है, राइट, वो भी होता है, आपका ब्रेन फंक्शन, न्यूरोनल फंक्शन, नमनेस, स्टिंगलिंग, नमनेस आने लगेगी, मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, एनर्जी जनरेशन नहीं है, तो वीकनेस, कमजोरी आने लगेगी, बैलेंस खराब होने लगेगा, ये सारे मेजर साइंस है, डाइजेशन प्रॉब्लम आएगी। अब ऑब्वियसली हमें भी समझना पड़ेगा कि B12 नहीं आ रहा है, नहीं है, क्यों नहीं है। मान लो आप ले भी रहे हो, कई लोग दूध लेते हैं फिर भी B12 कम, भाई ये क्या हो रहा है? भाई कई लोगों में डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, कई लोगों में पेट की ऑपरेशन कर रखी है, इंटरस्टाइनल सर्जरी कर रखी है, उम्र बढ़ रखी है, उम्र ज्यादा हो गई तो B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, इंटेस्टाइन से सब चीजों का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, और कोई सर्जरी कराई इंटेस्टाइन में तो भी एब्जॉर्प्शन कम हो सकते हैं, सीलिएक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स में भी आपका एब्जॉर्प्शन, इन न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। तो ये हुई बात चीज सारी B12 की। B12 इतना जरूरी है कि आपको लेना ही लेना है और रोज लेना है, क्योंकि B12 का स्टोरेज नहीं है बॉडी के अंदर, लिवर में कुछ हद तक स्टोर होता है 1000 के मिलीग्राम के आसपास, वो भी आपका बहुत ज्यादा भी रह गया तो कुछ महीनों तक, ज्यादा ज्यादा 1 साल तक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो यू नीड टू टेक B12 आइडियली डेली डेली, ऑलराइट, नहीं डेली तो कुछ दिनों में तो लेते रहना चाहिए। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट B12। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस अबाउट एनी टॉपिक। थैंक यू सो मच।